निम्बल न्यूज, द ट्रुथ अनफोल्ड। नमस्कार मित्रों, एक बार फिर से स्वागत है आप सब लोगों का हमारे निम्बल न्यूज चैनल पर। उम्मीद है आप सब लोग अच्छे होंगे। आज की खबर है हरियाणा के मेवात इलाके से। यहाँ का माहौल काफी गर्मा गर्म है, यहाँ के माहौल में सरगर्मी छाई हुई है, क्योंकि यहाँ पर एक 25 वर्षीय युवक की हत्या कर दी जाती है, जिसके बाद से सांप्रदायिक तनाव इलाके में बना हुआ है। वहाँ के ग्रामीण लोगों ने सड़क को जाम कर दिया इस हत्या के विरोध प्रदर्शन की वजह से, और जब पुलिस जाम को खुलवाने के लिए पहुंचती है तो पुलिस पर पथराव भी किया जाता है। और युवक के परिजनों का आरोप है कि युवक की हत्या मॉब लिंचिंग के तहत की गई है, जय श्री राम ना कहने की वजह से की गई है। आपको बता दें कि पूरा मामला क्या है। दरअसल 16 मई को आसिफ नाम का युवक, जिसकी उम्र 25 वर्ष है, वो अपने दो चचेरे भाइयों के साथ दवाई लेने के लिए गया हुआ था। जब वो रात को तकरीबन 9 बजे के वक्त वापस लौट रहा था, ये लोग तीनों बाइक पर सवार थे, बाइक पर वापस आ रहे थे, तभी अचानक से दो एसयूवी आती हैं और इन्हें घेर लेती है। एसयूवी के द्वारा बाइक को टक्कर भी मारी जाती है, जिसकी वजह से ये तीनों जमीन पर गिर जाते हैं। और उसके बाद दोनों एसयूवी से लगभग दर्जन भर लोग उतरते हैं और वो लाठी डंडे से पीटना इन्हें शुरू कर देते हैं, जिसके बाद आसिफ की मौत हो जाती है और उसके दोनों चचेरे भाई घायल हो जाते हैं। वहीं परिजनों का आरोप है कि आसिफ की पिटाई के अलावा उसे गोली भी मारी गई। इस मामले में घटना के चश्मदीद गवाह आसिफ के चचेरे भाई राशिद का कहना है कि 9-10 लोग वो हमारे गांव के ही थे, और इसके अलावा बाकी आरोपी आस पड़ोस के इलाके के थे। राशिद का कहना है कि एसयूवी से जब लोग उतरे तो उन्होंने लाठी डंडे से आसिफ को पीटना शुरू किया, साथ में हमें भी पीटा और सरिये से भी मारा गया, और इसके बाद आसिफ को गोली मार दी गई। परिजनों का आरोप है कि आसिफ की हत्या इसलिए की गई है क्योंकि उसने जय श्री राम नहीं कहा था। उन लोगों ने उसे मजबूर किया जय श्री राम कहने के लिए। जब आसिफ ने नहीं कहा तो मॉब लिंचिंग के तहत उसकी हत्या कर दी गई। वहीं राशिद ने कुछ आरोपियों के नाम भी बताए हैं, जिसमें से कुछ हैं अडवाणी, ऋषि, कालू, संदीप, कुलदीप, महेंद्र, ये लोग घटना में शामिल थे। और इसके अलावा इनके कुछ साथी आसपास के गांव आटा बरोंदा और खेड़ा खलीलपुर के थे। वहीं पुलिस का इस मामले पर क्या कहना है, चलिए हम आपको बताते हैं। पुलिस का इस मामले पर कहना है कि परिजनों ने जो 14 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज करवाया है वो हमने दर्ज कर लिया है, सभी 14 लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, जिसमें से 6 लोगों को अब तक गिरफ्तार किया जा चुका है। इसके अलावा मामले की गंभीरता को देखते हुए, सांप्रदायिक माहौल को देखते हुए, भारी संख्या में पुलिस बल को क्षेत्र में तैनात कर दिया गया है, ताकि इस मामले को लेकर कोई बड़ी वारदात न हो। वहीं पुलिस का इस मामले में से इनकार करना है कि युवक की हत्या जय श्री राम ना कहने की वजह से हुई है। पुलिस का कहना है कि इस मामले में सांप्रदायिक एंगल कोई भी नहीं है, ये एक गांव के दो युवकों के समूह के दरमियान हुई झड़प का मामला है। ये आपसी रंजिश, आपसी दुश्मनी का मामला है, जिसमें एक गुट ने दूसरे गुट के एक युवक की हत्या कर दी। वहीं इस मामले पर असदुद्दीन ओवैसी ने एक ट्वीट किया है, जिसके जरिए वो मनोहर लाल खट्टर पर, जो कि हरियाणा के सीएम है, उन पर निशाना साधते हुए कहते हैं कि चरमपंथी और हिंदुत्ववादी आपे से बाहर हो गए हैं। मनोहर लाल खट्टर की सरकार के शासन में इन लोगों का हौसला बुलंद हो रहा है, क्योंकि उन्हें लगता है कि हमें परिणाम नहीं भुगतने चाहिए। गुंडों को जल्द से जल्द गिरफ्तार करना चाहिए और न्याय कटघरे में खड़ा करना चाहिए। तो आज के लिए बस इतना ही। इससे जुड़ी खबरें हम आप तक पहुंचाते रहेंगे, तब तक आप बने रहिए हमारे चैनल निम्बल न्यूज़ पर ही। और जैसा कि आप सबको पता है, अभी हमारे देश के हालात कितने ख़राब चल रहे हैं, कोरोना वायरस जैसी महामारी फैली हुई है, जिसकी वजह से काफ़ी लोगों की मौत भी हो रही है। तो आपसे दरख्वास्त है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने घर में ही रहें, घर से बाहर सिर्फ ज़रूरत पड़ने पर ज़रूरी काम के लिए बाहर निकलें, मास्क को लगा कर रखें, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करते रहें, और जब भी बाहर निकलें सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन करें।
और अगर आप कोरोना वायरस से रिकवर कर गए हैं और प्लाज्मा डोनेट करने के लिए एलिजिबल हैं तो प्लाज्मा ज़रूर डोनेट कीजिए और वक्त आने पर अपनी वैक्सीन की डोज भी ज़रूर लगवाइए। धन्यवाद।